हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और इंजीनियरिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहाँ भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने इस तरह का भी प्रश्न देखा होगा, इसमें क्या बोलता है वो, फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर इसको करने के लिए, या फिर हम इसको ऐसे में ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस हो रहा होगा, या स्क्वायर बनना होगा, या फिर ऐसे में, या फिर ऐसे में, इस तरह से देखेंगे हम। तो यहाँ अगर हम इस प्रश्न में देखें तो इस क्या हो रहा है, इसका ये लगभग डबल हो रहा है, ये भी इसका डबल हो रहा है, यहाँ भी इसका डबल डबल और ऐसे डबल, तो इसका डबल ये रहा होगा, तो इसका मतलब क्या बन रहा होगा ये, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा होगा, दो, दो का गुणा क्या, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, तो इस तरह से बन रहा है ये इसमें। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ इस तरह से है। देखो इसमें क्या बन रहा है, तीन दूनी छः, छः एकम छः, दो दूनी चार, यानी कि आमने सामने की गुणा करके बीच वाला बन जा रहा है, छः एकम छः, तीन दूनी छः, चार दो दूनी चार। अब इसमें देखेंगे तीन दूनी छः, तो ऐसे तो नहीं बनना है, मतलब इन दोनों की गुणा करके तो नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पर तो बन जा रहा है लेकिन इसमें नहीं बनना है, तो इसमें हटाएंगे, कोई दूसरा लगाएंगे। इसमें देखेंगे अब इसमें कैसे बनना है, तीन दूनी छः लास्ट में, पहले वाले दो को गुणा कर रहा हूँ तो लास्ट में आ रहा है छः, चार दूनी आठ पहले नंबर पर, फिर बीच का चार दूनी आठ, इस तरह से लगाता हूँ, मतलब इन दोनों की गुणा करूँ और पहले नंबर पे, और पहले वाले की गुणा करूँ तो लास्ट वाले नंबर पे लिखूँ। तो यहाँ ट्राई करता हूँ मैं, तीन दूनी छः, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर चार आ गया। तो दूसरा देखेंगे, दूसरे में देखें, अब हम डायगोनल को भी चेंज करते हैं, डायगोनल को भी चेंज करेंगे, तो यानी कि चार दूनी आठ बीच में, तीन दूनी छः पहले नंबर पे, चार दूनी आठ पहले नंबर पे, यानी कि ये जो है इसकी और बीच वालों की मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर पे, चार दूनी आठ, बीच वाले की मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर पे, तो तीन छः कम छः पहले नंबर पे, चार दूनी आठ लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो हमने बीच वाले की लिख दी, तो तीन दो दूनी चार, तो ये बीच में, इसका मतलब ये भी गलत बैठ रहा है। फिर देखेंगे हम कि अगर चार दूनी आठ, बीच वाले को मैं लिख रहा हूँ चार दूनी आठ पहले या दूसरे पे, क्योंकि इसका भी आठ है ये भी आठ है, तो इसको मतलब कहीं भी लिख सकते हैं हम, यहाँ ये भी छः ये भी छः, तो यानी कि ये तीन दूनी छः को मैंने, हो सकता है यहाँ पर लिखा हो या हो सकता है यहाँ पर लिखा हो, तो अगर मैं देखूँ इसको तीन दूनी छः ये दूसरे नंबर पर है, तीन दूनी छः पहला वाला दूसरे नंबर पर, तीन दूनी छः ये लास्ट नंबर पर आ गया, छः छः एकम छः पहले नंबर पर, और तीन दूनी छः पहले नंबर पे, दो दूनी चार लास्ट नंबर पे, दो दूनी चार ये भी हो सकता है, दो दूनी चार ये भी हो सकता है, और तीन दूनी छः ऐसे भी हो सकता है, तो यानी कि छः एकम छः, चार दूनी आठ, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, छः एकम छः, दो दूनी चार लास्ट में, और दो तिया छः बीच में, यानी कि सात एकम सात बीच में, छः एकम छः पहले नंबर पे, चार दूनी आठ ये लास्ट में, तो इसका आंसर बनना होगा 678, ये इसका आंसर यानी कि बी बनना होगा। इसमें केवल एक चीज़ ये है ना, ये दोनों सेम है, ये और ये, यहाँ ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दो तिया छः करके बना हो, ये वाला छः हो सकता है, ये वाला छः हो सकता है, छः एकम छः करके ये वाला छः हो सकता है, ये वाला छः हो सकता है, तो इसको हमें आपस में अरेंज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, इसमें क्या हो रहा है, देखो 13 दूनी 26 माइनस दो गुणा दो माइनस दो, तो अब इसमें क्या हो जा रहा है, इसका माइनस आठ, तो 24 गुणा 1 माइनस आठ, यानी कि इसका ये दो की घात एक लिख सकते हैं, इसको दो की घात तीन लिख सकते हैं, तो इसमें ट्राई करें तो ये तो इसका 56 दूनी 52 26 गुणा 2 52 माइनस छः, नहीं सॉरी माइनस चार, यानी कि दो की घात दो,
अब इसमें देखेंगे 48 गुणा 1, 24 गुणा 1 कर रहा था वही 48 गुणा 1, 48 कम 48 माइनस 2 की घात 3, यानी कि इसका 3 गुना, तो इसका देखें तो हम 2 की घात कितना कम हो रहा है, ये 48 में से यानी कि 4 16, 2 और 3 ठीक हो गए, 16 2 की घात 4 कम, तो ये 2 की घात 1 3 2 4, 1 का गैप 1 का गैप, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ये इसका डबल डबल गुणा 2 माइनस 2 की घात 1 2 की घात 2, तो यानी कि ये 2 की घात 3 होगा, 2 की घात 3 यानी कि बराबर 96, तो यानी कि 2 की घात 3 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ जाके ये 8, यानी कि 8 को मैं इसमें प्लस कर दूँ 96 में, तो 96 प्लस 8 यानी कि हो जाएगा 104 बट्टे 2, 2 7 14 नहीं 2 5 10, 2 2 4, तो ये हो जाएगा यानी कि 52 52, अभी देखते हैं फिर 52 और यानी कि 96 गुणा 1, अब ये 2 की घात 3 था, 2 की घात 4 है, ये 2 की घात माइनस 5, 2 की घात 5 का मतलब 32 हो गया, तो 96 में से 32 में माइनस करूँ तो 4 64 बन रहा है, तो यानी कि एक्स अगर मानिए एक्स का गुणा डबल माइनस 2 की घात 3 8 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, 96 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 4, हंसी लगो 1 10, तो इसका आधा डबल 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 5 2, ये गलत क्यों जा रहा है, काट रहा हूँ। तो दोस्तों यानी कि इसका डबल 2 की घात 1 माइनस हो रहा है और इसका डबल 2 की घात 3, यही सेम यहाँ रहा, डबल माइनस 2 की घात 2 और इसका डबल 2 की घात 4 सेम यहाँ होगा, इसका डबल 2 की घात, अब देखो 1 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, अब 3 होगा, तो इसका डबल 2 की घात 3 यानी कि 8 माइनस होगा, इसका डबल 2 की घात यहाँ 3 था, यहाँ 4 यहाँ 5 होगा, तो यानी कि ये इसमें फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा हमारा कितना 52 आ रहा था, तो ये इसका मतलब ये 52 होगा। एक चीज़ इसमें और दे सकते हैं, देखो ये 24 है, इसका डबल ये 48 आ जा रहा है, ये इसका डबल 96, सेम यहाँ 16 दूनी 32 और 32 का डबल 64, तो यानी कि 13 का डबल 26, 26 का डबल 52, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इतना घूम के जाने के बजाय या वैसे लगा दो तो मतलब आंसर एक ही आएगा, हो सकता है कि स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या है कि 3 5 इस तरह से है, इसको करना है या फिर ऐसे में ऐड करो या फिर ऐसे में करो, तो देखेंगे हम कि अधिकांशतः उधर को ऐड करेंगे जहाँ को बड़ा नंबर आ रहा हो, जैसे यहाँ ये 36 140, ये बड़े नंबर आ रहे हैं तो इधर को ऐड करेंगे, उधर को ऐड करना तो ये छोटे नंबर हो जा रहा है ना, 2 आ जा रहा लास्ट में फिर से, तो इसका मतलब इधर को तो नहीं हो रहा होगा ये, तो इधर ही को ऐड करते हैं, तो 3 2 5, तो ऐसे जोड़ के तो बनेगा नहीं 36, तो गुणा करते हैं 3 दूनी 6 6 गुणा 6 6 36, ऐसे बन गया, मतलब इन दोनों की तीनों के आपस में गुणा, 3 दूनी 6 6 6 6 36, 4 5 20 20 7 140, ऐसी 9 2 18, फिर 18 लेके आना, यानी कि यहाँ पर क्या रहा होगा 1 रहा होगा, 9 2 18 18 1 कम 18, तो इसका आंसर क्या बन गया 1 बन गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 3 2 5 5 1 कम 5, 4 चक्को 4 और 4 8 8 3 24, तो ये तो नहीं बनना है, और क्या कर सकते हैं इसमें, 3 दूनी 6 6 माइनस 1 5, 4 चक्को 16 माइनस 3 13, ये भी गलत हो जाएगा, और 3 1 कम 3 2 5, 4 3 12 और 3 16, यानी कि ये ठीक बन जा रहा है, इन दोनों की गुणा प्लस ये, इन दोनों की गुणा 3 1 कम 3 प्लस ये, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो इन दोनों की गुणा 5 दूनी 10 प्लस 6, यानी कि 3 दूनी 5 2 2 5 10 और प्लस 6 यानी कि 16, तो इसका आंसर क्या बनना होगा 16। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 5 5, यानी कि सीधे अपोजिट में उसका स्क्वायर बनना है, 3 का स्क्वायर ये, 6 का स्क्वायर ये, तो इसके स्क्वायर भी ये बनना होगा, तो यानी कि 8 का स्क्वायर 64, तो इसका आंसर बनना होगा 64, तो हमें करीबन स्क्वायर तो याद होनी चाहिए,
कहीं पर भी हमें इस तरह से नंबर दिखे 36, 9, 25, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमेशा क्या बनना होगा, लगभग अधिकांश टाइम स्क्वायर ही बनने होंगे, तो इसलिए हम सीधे स्क्वायर वाला अप्रोच लगाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, 7 + 6 + 6 और तो यहाँ ये +6 यानी कि 33 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये +6 करके आया हो, +6 तो यानी कि ये 9 रहा होगा, 9 ऑप्शन में है तो 9 इसका आंसर हो गया। हम करेंगे ऑप्शन के हिसाब से करना, क्योंकि इसका देखो अगर यहाँ देखें तो हम ये हो सकता है देखो 27 यानी कि 12 प्लस हो रहा है, यहाँ भी ये 12 प्लस हो रहा होगा तो यानी कि ये 9 होगा। और एक और चीज़ है कि अगर ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे यानी कि ये इसमें क्या रहा है 12 प्लस, तो यहाँ अगर ऐसे में लगाएं तो ये भी 12 प्लस, तो यानी कि हो सकता है 33 भी इसका एक आंसर हो सकता है, तो 33 ऑप्शन में नहीं है तो वो तो गलत हो जाएगा। या फिर एक देखें कि ये जो 27 है, 27 को हम लिख रहे हैं 3 × 9 = 21, 21 को क्या लिख रहे हैं 3 × 7 = 15, 15 को क्या लिख रहे हैं हम 3 × 5। अब देखो 2 का गैप आ गया, 3, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद यानी कि अगला 3 आएगा, गुणा किससे 3 से, ये तो फिक्स चल रही है, तो यानी कि 3 × 9, तो ऐसे भी करके इसका आंसर 9 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या है, कुछ नंबर भी दिया है, ये मिक्स्ड वाली है, नंबर भी दिया है, अल्फ़ाबेट भी दिए हैं, तो अल्फ़ाबेट में हमें उनकी पोजीशन याद, ये पता होनी चाहिए। पोजीशन पता होने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो इसलिए उसमें हम इनकी पोजीशन बताएंगे। पोजीशन जैसे CABC, तो C तीसरे नंबर पर है तो C की पोजीशन 3 है, ऐसी सबकी पोजीशन होती है, तो यानी कि 3C, तो हो सकता है कि जो नंबर है अल्फ़ाबेट है उसी के साथ उसकी पोजीशन है, क्योंकि 3C आ गया, पर अगले में आ गया 27D, तो 27D की तो होती है 4, या फिर D की होगी 4, या 26 में 4 कर ऐड करेंगे तो 30, या फिर होगी D की पोजीशन 30 या होगी 4, तो यानी कि ये तो पोजीशन वाला हिसाब तो नहीं बैठ रहा है। तो एक अगला देखेंगे 9, 9 × 3 = 27, बीच वाला बन जा रहा है, 7 × 3 = 21, बीच वाला बन जा रहा है, 7 × 28, बीच में 28 तो आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाले की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबरों में, तो बीच वाला बनना है 7 × 21, 4 × 7 = 28, बीच में 28 आ गया। अब देखेंगे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में देखो CD, सी की होती है 3, डी की होती है 4, फिर आ गया ई, ई की होती है 5, तो +1 + 1 + 1 + 1 हो रहा है, तो आई की होती है 9, के की होती है 11, तो यानी कि +2, और एम की होती है 13, +2 + 2 + 2, देखो +1 + 1 + 2 + 2, तो अगले में आएगा +3, यानी कि D + 3, डी की होती है 4, +3 = 7, 7 होती है तुम्हारी किसकी, जी की, +3 यानी कि 10, 10 होती है जे की, तो यानी कि ये सही बैठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 28G, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम कि अगले प्रश्न में वो क्या कह रहा है, इसमें है अल्फ़ाबेट, वही हमें इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, तो जे की होती है 10, एम की होती है 13, ये मुझे नहीं पता, ये होती है 20, ये होती है 24, ऐसी ही ओ की होती है 15, एल की होती है 12, एच की होती है 8, ई की होती है 5 और ए की होती है 1। तो अब नंबरों में ज़्यादा आसान हो गया है, +3 यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ हो गया +4, अब देखें यहाँ +4 - +3 + 4 + 3, तो यानी कि +3 + 4 + 3 + 4 करके बनना है, तो यहाँ पर हो सकता है +4, तो ये हो जाएगा हमारा 17 + 3 + 4, तो इसका मतलब ठीक है 17, क्योंकि देखो +3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3, तो +3 + 4 + 3 + 4 करके बनना है, तो इसका मतलब ये 17, 17 होता है हमारा Q का, तो यहाँ पर आ जाएगा Q। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों अलविदा।